आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई। जी हाँ, हम बात करेंगे पावर बीआई के बारे में कि पावर बीआई का क्या रोल है। तो बेसिकली हमने बात की थी कि पावर बीआई का यूज क्या है। तो पावर बीआई की यूज है डेटा विजुलाइजेशन के लिए। 2 मिनट में आप किसी भी तरह का रिपोर्ट बना सकते हैं जिसके लिए एक्सेल में घंटों लगता है। चलिए एक एग्जाम्पल आपके सामने करते हैं। ये मेरे पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन आपके सामने है। अब इसमें मैं यहाँ गेट डेटा, यहाँ दिख रहा होगा गेट डेटा में जाके हम एक्सेल पे क्लिक करके डेटा एक लेके आते हैं। पावर बीआई का अपना कोई डेटा नहीं होता है, डेटा हमें बाहर से लेना इंपोर्ट करना होता है। ये आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद देगा लिस्ट ऑफ टेबल्स की सीट, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं और टेबल है आपके इसमें। क्लिक कीजिए, यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं, आपका लोड एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका लोड एक्टिवेट नहीं होगा। लोड पे कीजिए, 2 मिनट का टाइम यहाँ लगेगा। अब देखिए जितने भी डेटा के अंदर में यहाँ पे तीन देखिए आपके सामने दिख रहा होगा पावर बीआई, इसके 3 व्यू होते हैं। पहला होता है रिपोर्ट, दूसरा होता है डेटा, तीसरा होता है मॉडल। डेटा व्यू में आपके जो डेटा इंपोर्ट हुआ है वो डेटा यहाँ पूरा दिखता है कि कौन सा डेटा है। अब मुझे भी इस पर रिपोर्ट बनानी है, तो चलिए एक छोटा सा रिपोर्ट आपके सामने बना के बताता हूँ कि कैसे हम रिपोर्ट बनाते हैं। ये विजुलाइजेशन है, यहाँ पे फील्ड है, जस्ट लाइक पिवट टेबल की तरह होता है जो हम पिवट टेबल का यूज करते हैं। इसमें हमने क्वांटिटी को रख दिया, एक्चुअली यहां हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इंडस्ट्री वाइज क्वांटिटी डाल दिया है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ और थोड़ा सा ऊपर, इसके हिसाब से अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। टैबलू में फीचर नहीं है सर। अच्छा सर, यहाँ पे इसको रखते हैं। हाँ, इसमें हमने इंडस्ट्री हो गया, प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल देते हैं। प्रोडक्ट वाइज में हमें सही रहेगा, फिर उसको चेंज करके ये करें और चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ से। बाद हम यहाँ पे रीजन वाइज यहाँ पे हम डेटा को भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे रखें। उसके बाद हम यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स का सिंबल मुझे दिखा रहा है कैसे बना सर। अब स्कैट में मैं यहाँ पे क्वांटिटी रखता हूँ और यहाँ पे हमारा कस्टमर, तो कस्टमर की क्वांटिटी काफी ज्यादा है।
नहीं ये सही नहीं। और यहां पे हम मैप चार्ट करते हैं। री किस काम आता है सर? मैप चार्ट मैप दिखाता है, ज्योग्राफिकल दिखाता है। और यहां पे हम रीजन देते हैं कि रीजन वाइज, और यहाँ पे हम क्वांटिटी देते हैं टोटल क्वांटिटी। अच्छा सर, ठीक है सर मैप चार्ट कहाँ से लाए थे सर? ये गोल वाला? ये नहीं, मैप चार्ट है ना, मैप चार्ट ही होता है। ओके ओके सर, ओके सर। रीजन को लोकेशन में रखते हैं। अब आ गया ना, अब सही है, दिख रहा है डॉट बबल्स यहाँ सेल हुआ है। ये रहा हमारा डैशबोर्ड। अब देखिए डैशबोर्ड बन गया, लेकिन हमने सब कुछ तो किया। डैशबोर्ड में यहाँ टाइटल नहीं दिया, बगैर टाइटल का दिक्कत है ना। तो इंसर्ट में हमने गया, हमने टेक्स्ट लिया और यहाँ पे हम लिखने से पहले अपना टेक्स्ट का साइज बढ़ा देते हैं। 28 पे ले आता हूँ मैं, यहां दे देता हूं कि सेल्स ऑनलाइन दे देते पूरे को सिलेक्ट करके देना। अब रिपोर्ट हमारी तैयार। अब देखिए इस रिपोर्ट को करने में मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे। यस सर। अब इसी चीज को एक्सेल पे बनाएंगे तो घंटों लग जाएंगे। यस सर। है ना सर? यस सर। अब इस लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस रिपोर्ट को हम भेजें कैसे? तो दो तरीके हैं, एक तो आप इस फाइल को सेव कर लें और भेज दें, राइट? यस सर। दूसरा है कि इसको एक्सपोर्ट कर दे पीडीएफ में। यस सर। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर पीडीएफ, तो पीडीएफ में देख सकता है, या इसको पब्लिश करें आप पावर बीआई की ऑनलाइन में, ताकि यस सर से आप वेब वर्जन और बाकी वर्जन बना के भेज सके। तो आपको पब्लिश करने के लिए क्या होना चाहिए सर? कंपनी का आईडी होना चाहिए सर। कंपनी का आईडी होना चाहिए, पावर बीआई का आईडी होना चाहिए। यस सर। कंपनी ईमेल का वो होना चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, और हम उसे पावर बीआई में उसे लॉगिन करना, रजिस्टर करना पड़ेगा। बाद में पासवर्ड ढूंढना खुल जाता हूं। आ गया। अब मुझे इसको यहां से पब्लिश, उससे पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा सिस्टम में।
सर ये जिसके पास पावर बी आई है वही वो फाइल खुल पाएगा। हाँ फिलहाल तो पावर बी वाला ही फाइल खुल पाएगा, पीडीएफ में पीडीएफ खुल पाएगा, लेकिन अगर इसको हम इस पे एक कर दें ऑनलाइन वेब वर्जन है तो हम इसको गूगल ड्राइव की तरह शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे से, या इसका लिंक क्रिएट कर लें या किसी कहीं वेबसाइट वगैरह पे एम्बेड कर दें, तो यस सर। ये सारी चीजें भी हो सकती है। समझ गए? यस सर तो आपको समझ में आ गया पावर बी आई से आगे करते क्या है? यस सर सर ये टैबलू से कित अलग क्यों है सर, मतलब क्या अलग है सर इसका और टैबलू का सर? माइक्रोसॉफ्ट का है तो टैबलू से बेटर तो रहेगा ही ना। टैबलू का भी काम यही है सर? हाँ टैबलू का भी काम यही है। मैं खोलता हूँ दूसरे ब्राउजर पर। टैबलू का भी सेम फीचर है लेकिन थोड़ा सा उसका लगाने का तरीका अलग। मतलब कोई पावर बी आई सीख जाएगा तो उसे टैबलू इजी लगेगा एज कंपेयर टू फ्रेशर। मैंने क्या नाम डाला था? सर ये तो नहीं देखा सर। पी किया था ना। ओके आईडी अलग है। ये सारे आईडी हो गए ना पावर बी आई के, कंफ्यूजन हो जाती है। आईपीटी में आउटलुक में यहाँ और यहाँ पे माय वर्क स्पेस रिपोर्ट्स में जाता हूँ, आ गया ना आरईपी रिपोर्ट है। अब इसको मैं यहाँ से फाइल में सेव एज कर दूँ, प्रिंट करूँ, पब्लिश टू वेब करूँ, एक्सपोर्ट पावर पॉइंट करूँ, एक्सपोर्ट पीडीएफ करूँ, जैसा मैं जैसा कर सकता हूँ, या किसी पावर बीआई यूजर को शेयर करूँ, डाउनलोड भी कर सकता हूँ कहीं भी कभी भी। ठीक है सर। यस सर।
तो ये होती है पावर बीआई। अभी समझ में आ गया? यस सर। अब इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आपके साथ शुरू से स्टार्ट करेंगे। सर अभी डैक्स फंक्शन वाला फोल्डर देखो या दूसरा वाला? सर आपने तीन दिए थे। नहीं, डैक्स फोल्डर बाद में दीजिएगा, उससे पहले जो सीक्वेंस नंबर को पहले से फॉलो कीजिए। अच्छा सर, ओके सर।